इम्पोर्टेंट क्लास है आज आप लोगों की, ठीक है? सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो यस करिए जल्दी से, सभी लोग यस करिए एक बार। अगर मुझे देख पा रहे हैं आप लोग क्लास में, चलिए चलिए, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, आज क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में जल्दी से बताना, ठीक है? सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और आप लोग मुझे अकेडमी भी सर्च कर सकते हैं, धनंजय प्रताप सिंह के नाम से आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन आपका पहले आ जाता है बार्क और डॉग, ठीक है? बार्क और डॉग, अब आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे फिर कौन सा आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है? तो देखिए, आप एक चीज समझ में आ रही होगी, जो बार्क होता है, ठीक है? बार्क यानी कि बार्क मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, कुत्ते की भौंकने को कहते हैं बार्क। यानी डॉग क्या करता है, भौंकता है हमेशा, देखा जाए, ठीक है? तो बार्क हो गया आंसर, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे क्या आती बात, स्पैरो, स्पैरो क्या होती है, वैसे देखा जाए गौरैया होती है, ठीक, गौरैया। लेकिन स्पैरो को हम लोग ज्यादातर एक तरह चिड़िया भी मान सकते हैं, जो गौरैया है, देखा जाए चिड़िया का मेन रूप जो है ना, सबसे अच्छा रूप तो गौरैया का चिड़िया यही होती है, ठीक है? तो ये क्या करती है, चू चू करती है, यानी कि चिरप करती है, चिरप, ठीक, चिरप कह सकते हैं। तो ये चू चू आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल। जितेंद्र सही बताया। सर सर जल्दी स्टार्ट कीजिए, कल आज बहुत देर कर दी, मतलब आज जिला बिहार धीर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, इसका आंसर समझ में आ गया। और जहां पे ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, सर जी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो क्या इसका आंसर होगा। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ई एल क्यू जेड, ठीक है? ई एल क्यू जेड आपका आंसर आता है यहाँ पे। और ये फिर यहाँ पे लिखा ए जे ओ वी लिखा हुआ है, वी एक्स डी टी लिखा हुआ है, टी डी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो वी एक्स टी डी लिखा हुआ है इसके आगे आंसर क्या होगा, सभी को ये आंसर बताना है, ठीक है? देखते सबसे पहले आंसर देगा कौन, ये देखना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले आंसर कौन देगा, यहाँ पे हमारा देखने का काम यही है कि सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है? कोशिश करिए जल्दी आंसर आपका आए। चलिए हम तब तक आंसर आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है? ये हम आपको दिखाते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ई एल जे, चलिए आप लोग पहले कर लीजिए, अच्छा पहले कर लें फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है? पहले आप लोग कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? अब लोग करिए पहले जल्दी से, एक मिनट, तब तक हम इसका जरा सा डिस्प्ले को सही कर देते, फिट कर देते हैं। चलिए अब सही है, चलिए। चलिए अब फिट हो गया, अब फिट हो गया। अभी वो हम थोड़ा डिस्प्ले को सही कर रहे थे इसलिए नहीं दिख रहा होगा, अब दिखने लगेगा, अब दिखने लगेगा, ठीक है? अब दिखने लगेगा। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले किसने आंसर दिया, वैसे सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है यहाँ पे, धीर, धीर ने दिया, रितेश ने दिया है, आ रहा। चलिए देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ई एल क्यू और जेड, इससे बना क्या आपका यहाँ पे ए जे ओ वी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो ना एक ध्यान से देखना, जेड का अपोजिट होता है ए, ई का अपोजिट होता है वी, क्यू का अपोजिट होता है जे, एल का अपोजिट होता है ओ। तो इस तरीके से अपोजिट लिखा गया यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अब दिख रहा होगा संतोष कुमार, देखो दिख रहा होगा, ठीक है? इसी प्रकार से वी एक्स टी और डी ये लिखना है, ठीक है? कलर समझ में आ रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर लें क्या, कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट होता है डब्लू, V का अपोजिट होता है E, क्रॉस पैटर्न लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, क्रॉस पैटर्न। T का अपोजिट होता है G, X का अपोजिट होता है आपका C, यानी ये आपका यहाँ पे फॉलो हो गया, ठीक है? और हमने आपको पढ़ाया भी है, प्लस क्लास में भी पढ़ाया कि किस तरीके से आप लोग अपोजिट को याद कर सकते हैं, अपोजिट को याद करने की हमने आपको काफी ट्रिक बताई है। और एक बार अगर आप चाहें तो बताओ, एक तरीके से एक बार फिर से रिकैप कर दें, बताइए आप लोग चाहते हैं कि आपको अपोजिट की सारी चीजें बताई जाए, बताइए। सुनील शर्मा बिल्कुल बताएं कैसे बनना है, आप रेगुलर पढ़िए, सही से पढ़िए, आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? सब तैयार कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं दिख रहा है क्यों, ये बता, जैसे कि सचिन कह रहे दिख नहीं रहा है, वास्तव में नहीं दिख रहा है, ये बताइए पहले, सभी लोग दिख रहा है कि नहीं, सभी लोग एक बार बताएं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी लोग बताएं एक बार जल्दी से, सभी लोग एक बार बता दीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार, सभी लोग जल्दी से, कुछ लोग कहना कि दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, आप लोग अपोजिट की एक बार देख लीजिए सभी के, देखिए एक यहाँ पे क्या होता है, हमने एक आपको ट्रिक बताई थी,
क्या बताई थी? लो मन सर्ट, SHIRTG, लोमन सर्जी, यानी कि लोमन सर्जी का मतलब क्या हुआ, एल का अपोजिट ओ हो गया, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एस का अपोजिट एच हो जाएगा, आई का अपोजिट आर होगा, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, ठीक है। जी टी रोड से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये आपकी रेलवे एग्जाम के हिसाब से है, NTPC, ठीक है, और ग्रुप डी, उसके अकॉर्डिंग ये रीजनिंग चल रही है, ठीक है। उन्हीं के क्वेश्चन हैं ये जो पूछे जा चुके हैं ना, क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है। जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज भी क्लास होगी, परसों क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, परसों आइएगा, फिर उसके बाद आइए, 2-4 दिन लगातार क्लास होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सामने, इसको बताइए आप लोग, 40 और इस टू 100, और यहाँ पे आता है प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आपका जाता है 56, फिर इस टू। अब आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा इसका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बताते हैं, रामचंद्र, थैंक यू, आरा, अमित, सचिन, राहुल, धीर, सुधाकर, सोनू, रतनिका, लोकेंद्र, रामचंद्र, निशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे एक बार सही से देखिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है 40, ठीक है, 40 से बना है यहाँ पे 100, ठीक है। अगर तुम देखोगे 40 से 100 का कोई रिलेशन सही से बन नहीं पा रहा, ना तो टू जा, ना मल्टीप्लाई से, ना डिवाइड से, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 40 का दुगना कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। 100 तक नहीं पहुंच पाए, अब 100 तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 20 जोड़ना पड़ेगा। जब 20 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 20 कैसे हमने जोड़ा, जोड़ा कैसे, वेरी गुड धीर और कुमार, वेरी गुड, सभी ने आंसर सही दिया। यहाँ पे किया क्या हमने, 40 का एक बार किया दुगना, 2 टाइम्स, फिर एक बार 40 का कर दिया हमने आधा, तो आपका आ जाएगा आंसर 100। इसी तरीके से इसमें करोगे 56, 56 का एक करोगे दोगुना, प्लस 56 को करोगे आधा, ठीक है, 56 को एक बार करोगे आधा, यानी 56 टू जा होता है 112, और इसका जब करोगे तो 28, जब इसे जोड़ोगे तुम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 140 हो जाएगा, ठीक है, 140, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रितेश गौतम, सॉरी भूपेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भूपेंद्र कुमार ने दिया है बी, नहीं, रितेश ने, सुजीत ने, और सुजीत हल्दर ने, और सुनील दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो इन लोगों ने आंसर सही दिया, ठीक है। रामचंद्र जट ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर सही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे आया बुक, पेन, पेंसिल और बैक्स कलर, आपको इसमें बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। बुक, पेन, पेंसिल, बैक्स कलर का मतलब क्या होता है, कलर करने वाली एक चीज होती है, उससे कलर होता है, ठीक है। पेंटिंग करने के लिए आता है काम, जब पेंट करोगे ना तो उसके काम ये आता है, ठीक। तो आपको यही बताना है इसमें सबसे अलग क्या, सबसे डिफरेंस क्या है इसमें, ये आपको बताना है। तो जो सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल, कैसे है यार, देखिए बुक, पेन, पेंसिल, बैक्स कलर में आप लोग पहले बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सचिन ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सचिन ने सही आंसर दिया। इसका आंसर क्या होगा, बुक हो जाएगा, क्यों, देखिए ये सभी लिखने वाली चीजें, पेंसिल, पेन, बैक्स कलर, ठीक है। बुक आपकी लिखने वाली नहीं है, पढ़ने वाली चीज है, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है, ये आप बुक कह सकते हो, जो ये लिखने के काम आती है, ठीक है। चलिए बुक इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आता है जो ये पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे भिन्न क्या है, इनमें सबसे अलग क्या है, आपको ये बताना है, मतलब सबसे अलग कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि नहीं ये अलग होना चाहिए, ये हटके होना चाहिए, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अशोक, सुजीत, धीर और नितेश, गौतम, नरेंद्र, सुजीत, गुलशन, अंकित, ऋषिकेश, दुर्गेश, सुजीत, सोनू, लोकेंद्र, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसमें बताइए इसमें से सबसे अलग क्या है, ए, जेड, वी, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिखा होगा, शायद बड़ा कर देंगे आपकी बात। चलिए फिफ्थ का क्या बता रहे, ए, नहीं सर, नॉट क्लियर, बोर्ड चेंज द कलर, अच्छा रुकिए हम ये करते, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है, इसको बड़ा कर दिया जाए, चलिए बड़ा कर देते, 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, 1 मिनट का इसको हम बड़ा कर देते, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का हम आपको इसको बड़ा कर देते, 1 मिनट रुकिए जरा, ठीक है, बड़ा कर देते हैं, चिंता ना करिए। चलिए बड़ा कर दिया हमने इसको, और चलिए अब देखिएगा, अब दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे देखो ए, जेड, वी, एल, ओ, क्यू, ई, वी, एक्स, जेड, ए, डी, अब आपको आंसर इसमें बताना है क्या होगा, सभी को दिखने लगेगा, थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए, दिखेगा भी, ठीक है।
दिखेगा भी, चिंता ना करिए। देखिए दिख गया, अब दिख गया होगा सभी को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ए जेड बी एल ओ क्यू ई वी एक्स और जेड ए डी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का। सभी लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए सभी लोग। कुछ लोगों ने डी का है, वेरी गुड। जो डी कह रहे हैं संजीव, रंजीव, रंजीव नरेंद्र, रामचंद्र कुमार और जितिन, सोनू, अशोक। ठीक है, चलिए सर आप के डी ए करके दिखाओ, बी डी ए करके दिखाओ आप, समझे नहीं बात। बी डी देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बना जैसे ए जेड बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जेड बी यानी क्या हुआ, यहाँ पे ए का अपोजिट हो गया। ठीक है, ए का अपोजिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका क्या हुआ, प्लस टू हो गया। क्या हो गया, प्लस टू। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एल ओ क्यू, एल का अपोजिट ओ होता है। ठीक है, क्यू क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या होगा, एल आपका होगा 12, यहाँ पे इससे फिर कोई मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से को यहाँ पे प्लस टू होगा, एक मिनट रुकिए, अच्छा दूसरा सा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा। सही, देखिए ए जेड बी, ये इसका अपोजिट हो गया और ये इसका प्लस टू हो गया। इसी प्रकार से एल ओ क्यू, ये इसका अपोजिट हो गया, एल का अपोजिट ओ होता है और ये इसमें प्लस टू हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से ई वी एक्स, ये इसका अपोजिट हो गया और ये इसमें प्लस टू हो गया। ठीक है, जब आप जेड ए डी के पास जाओगे ना तो आपको ये फॉलो नहीं करेगा। जेड का अपोजिट ए तो होता है, लेकिन ए में जब प्लस टू करोगे तो यहाँ पे सी आना चाहिए था बेटा। ठीक है, सी, लेकिन जो कि यहाँ पे सी आपको नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सबसे अलग हो जाएगा। अब आपको देखिए चीज, देखिए सर उसको कहिए, देखिए जिससे दिख नहीं रहा है, जिसको भी क्लियर नहीं दिख रहा है, एक हम आपको देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, जब हम पेन कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा दिखे। देखिए जैसे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, हु इज फेसिंग प्रॉब्लम टू वॉच माई वीडियो दैट देन ही कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ वीडियो। ठीक है, अगर या तो आपका नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क सही नहीं होगा, या आपकी क्वालिटी थोड़ी उसमें जो होगी ना सही नहीं होगी, उसका पिक्सल जो होता है ना, पिक्सल चेंज करने वाला, उसमें दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, उसकी क्वालिटी बढ़ा लो, सही दिखने लगेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है 41 22 63 93 82 44 और यहाँ पे आ जाता 83 64। अब आपको ये बताना है कि इसमें आंसर, इसमें जो अलग है ना, अलग कौन है ये बताइए, अलग क्या दिख रहा है आपको, कुछ अलग दिखे वो उस तरीके से कुछ दिखाओ, बताओ कुछ आंसर अलग होना चाहिए, वो आंसर आपको यहाँ पे बताना बताइए जल्दी से। न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हो, चलो सही है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। चलिए सर मैथ की क्लास कब चलती है, मैथ की बेटा हमें नहीं पता, रीजनिंग की आप ये क्लास को ज्वाइन करिए, इसको कंसंट्रेशन करिए भाई इसमें। सोनू जी बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा इसका आंसर सबसे पहले, कौन बताएगा, कोई है सूरवीर, कोई नहीं बचा, हम ही को बताना पड़ेगा। देखो हम बता दें किस तरीके से करना है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 41 22। ठीक है, 41 और 22, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी ने, नहीं नरेंद्र कुमार ने बताया, फिर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, दुर्गेश कवटाडवे, रितेश, अरे संजी रंजीव गलत कर दिया, अशोक ने सही बताया है, नरेंद्र ने सही बताया है, लोकेंद्र चौधरी ने भी सही बताया, अनिल कुमार ने गलत बता दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो चार लिखा है, चार का हुआ आधा तो दो आ गया, एक का हुआ दुगना तो दो आ गया। इसी तरीके से 82 44 लिखा हुआ है, 44 तो चार का हुआ आधा, चार का हुआ आधा तो आठ का, सॉरी आठ का हुआ आधा तो चार आ गया, दो का हुआ दुगना तो कितना आ जाएगा, दो का दुगना हुआ तो चार आ गया। इसी तरीके से 83 64 में आ गए। ठीक है, 83 64 में जब हम आए तो क्या हुआ, एट का किया हमने आधा और तीन का किया दुगना, तो यहाँ पे फॉलो कर गया इस नियम को। लेकिन जब 63 और इसमें आओगे, 63 और 93 में आओगे ना, तब तुम्हें समस्या पैदा होगी। समस्या क्या पैदा हो जाएगी, सिक्स यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आधा तो मिल जाएगा सिक्स का, लेकिन फिर इसका दुगना नहीं मिलेगा तुम्हें, इसका दुगना होते हुए नहीं दिख रहा, तीन गुना होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तीन गुना होते हुए तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका नहीं हो पाएगा। समझ में आया, जैसे ही समस्या हो रही हो बता देना कि यहाँ सर जी समस्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए दोबारा। ठीक है, क्लियर कर देंगे,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं बार बार आते हैं और बहुत देखने को मिलेंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको एक घंटे क्लास से बहुत कुछ मिल जाएगा, मतलब बहुत कुछ का मतलब क्या है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और इससे काफ़ी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, रेगुलरिटी के साथ क्लास को बिल्कुल देखना है और बने रहना है। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। देखो बेटा, एक बहुत दुख वाली खबर है कि आप लोग मतलब इतने लोग हैं, लाइक बहुत कम है बेटा, बहुत कम लाइक है। इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कम लाइक करेंगे, मतलब इतनी कितनी लाइक है, अभी सिर्फ 19 लाइक हैं और आप लोग हैं कितने, 48। इतना तो आप कर सकते हो ना बेटा। सर EVS ग्रुप डी की मेरिट क्या होगी बेटा? सर इतना अभी हमें मुझे नहीं पता है, जिसके बारे में मुझे कन्फर्मेशन नहीं होती तो मैं अपने मन से नहीं बताता, बताने को मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है तो कुछ नहीं बताएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, जूम बेटा ये कैसे हो पाएगा इतना जूम, इससे जूम ज़्यादा नहीं हो पाएगा बेटा, जूम नहीं हो पाएगा, जूम कर तो रहे नहीं हो रहा, जूम है काफ़ी जूम है। देखिए देखो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए, जो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या करिए, देखिए यहाँ पे जो लिखा है कार्डेट्रेलरी, और ये जो है ना डिक्शनरी वाले क्वेश्चन तो 100% आता ही है एग्जाम, ये समझ लो 100% आँख मीच के तुम याद देख सकते हो। तो यहाँ पे CAD तो सभी मिल जाएगा, CAD सभी में मिलेगा, सभी में CAD मिलेगा। बात अब आती, इसमें आया A, इसमें आ गया आपका D चौथे नंबर पे, इसमें भी आया D, इसमें आया U, इसमें आया E। अब देखो इसमें A आ रहा है, इसमें D, तो सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट नंबर वाला आएगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पे D, इसमें भी D, दूसरे और चौथे में D आ रहा है। लेकिन जब आप पांचवें अक्षर के पास जाओ तो यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे भी I आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे भी S आ रहा है, यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे F आया, यहाँ पे ये जीत गया दूसरा वाला, यहाँ पे ये जीत गया जब यहाँ पे से W और F में फाइट हुई, तो ये दूसरा आ गया यहाँ पे। फिर चौथा आ जाएगा 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 आपका पहले नंबर पर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है सर, शुभम गुप्ता का क्लास कब आ रहा है पता नहीं, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें अपनी क्लास पता नहीं रहती, दूसरे कहाँ बता पाएंगे, सॉरी। देखो हैं, तो इसके लिए क्या यहाँ पे पहला इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। क्लियर, डिक्शनरी के सभी लोग कर लेते होगे। अगर आपको कोई समस्या होती ना तो हम टॉपिक वाइज प्लस क्लास में पढ़ाते हैं, प्लस में हम रीजनिंग का पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं। अभी मई में आपका काफ़ी अच्छी तरीके से कोर्स मतलब कंप्लीट होगा, मई में क्या है ना, दो बैच मेरे आने वाले हैं मई में, जिसमें क्या होगा एक महीने में आप पूरी रीजनिंग कवर कर पाओगे, प्लस कोर्स में पूरी रीजनिंग कवर कर लोगे। और आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आप लोग मेटेक्सा कोड का यूज भी कर सकते हो, मेटेक्सा। ठीक है, उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और मेरे रीजनिंग में खुद 50 out of 50 आ चुके हैं दो बार। ठीक है, रीजनिंग में मेरे 50 out of 50 दो बार आ चुके हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। SSC में जब 50 क्वेश्चन आते थे तब एक बार आए थे 50 out of 50, फिर अब जब से 25 क्वेश्चन आने लगे तब भी मेरे 50 out of 50 आए थे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चिंता ना करिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, मतलब जो अनुक्रम लिखा है यहाँ पे आपका एक पद है जो ना गायब कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे। तो हिंदी का क्लास कब से चलता है सर जी? हिंदी क्लास मतलब समान हिंदी का क्यों बिना है? समान हिंदी बता रहे हैं आप? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है इसके बारे में, यहाँ पे चलिए बताते हैं। देखो यहाँ पे ACE पहले देख लेते हैं, तुम लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, पहले देख लेते हैं कितने लोग कर पाते हैं, क्योंकि फिर हम बता देंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। लक्ष्मण तोमर, यस सर जी, चलो अभी बताते हैं, तुम लोग नहीं बताओगे देर करते हो, तुम लोग बहुत आलस करते हो, आलस फैलाते हो तुम लोग और कुछ नहीं। चलो देखो यहाँ क्या लिखा ए, हम लोग आपकी आप लोग बेट में हम बैठ जाए तो फिर आंसर आ ही गया, फिर तो आते ही रह जाएगा नहीं। ACE लिख दिया। ठीक है, और इसमें कर दिया FHJ और यहाँ पे KMO। ठीक है, अब तो काफी अच्छा कर दिया, अल्लाह थोड़ा सा सुना दिया तो तुम लोग आंसर देने लगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि आरा जिला बिहार, वेरी गुड। अशोक गलत, भूपेंद्र सही, वर्णिका सही, जितेन सही, सोनू लबिनय नहीं गलत, धीर सही, रुचि सही, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ के एम ओ कर दिया। इसे देखो एक चीज देखो, ए आता पहले नंबर पे, एफ आता छठवें नंबर पे, के आता आपका ग्यारहवें नंबर पे, तो यहाँ पे कितने गैप आ रहा, पांच का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी पांच का गैप आ रहा है। इसी तरीके सी सी एच में आओगे तब भी पांच का गैप आएगा, फिर पांच का गैप, मतलब पांच पांच का गैप आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार के होता है 11, 5 जोड़ोगे 16, 16 का मतलब होता है पी, एम होता 13, 13, 5 जोड़ोगे 18, 18 का मतलब होता है आर, ओ होता 15, 15, 5 जोड़ोगे होता है 20, 20 मतलब टी, तो पी आर टी, ठीक है, पी आर टी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पी आर टी आपका बी ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। और एक चीज और देखिए, आप लोगों को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ना, जैसे हमने कहा बी किस नंबर पे आता, दूसरे नंबर, अपने जेड किस नंबर, 26 नंबर पे, तो आपको इतने आसानी से याद होने चाहिए कि जैसे कोई अल्फाबेट लिखा हो, जैसे हमने एक्स लिख दिया तो आपको वो 24 दिखना चाहिए, समझ, 24, हमने 22 लिखा तो 25 दिखना चाहिए, हमने अगर जेड लिख दिया 26 दिखे, तो इतनी अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, अल्फाबेट को तैयार करना है। अच्छा जैसे कोई अपना नाम बताओ, अच्छा हम आपका नाम इतनी स्पीड से लिखेंगे, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। चलो कोई कमेंट में आप अपना नाम बताइए, जिससे कि हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको करना है। और क्या करिए, घर में आप एक चीज करिए जिससे कि आप तैयार कर पाएंगे, आपको करना ये है कि क्या कहते हैं, जैसे कि दिमाग में, हाँ, आपको कोई अपना नाम, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम, मम्मी पापा कोई भी हो, ठीक है, बिल्कुल आ रहा बिहार जी, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, बिल्कुल हम सबकी कमेंट देखते हैं, चिंता ना करिए, बिल्कुल भी ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बच्चों का बिल्कुल कमेंट ना देखें, बहुत तुमसे ज्यादा चिंता मेरी रहती है, हमें रहती है कि आपको कैसे ज्यादा ज्यादा अच्छा कंप्लीट चीजें कोर्स सिखाई जाए, समझे। चलिए देखो, तो आपको करना क्या, कोई अपना नाम नहीं बता पाए, चलिए हम ही बताते हैं, जैसे भूपेंद्र ने बताया, भूपेंद्र, चलिए भूपेंद्र दिया, जैसे इन्होंने BHOOPENDRA, ठीक है, अब देखिए बी का होता है 2, H8, 8 15, ठीक है, O15, P16, E5, N14, D4, L18, A1, इस तरीके से आपको क्रम याद होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होने। अब जैसे गणेश कुमार ने नाम दिया, गणेश, GANESH, कुमार, KUMAR, आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है, G का 7, A का 1, N का 14, E का 5, S का 19 और H का 8, Kumar K 11, U 21, M 13, A1 R 18, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, बस इतना ही करेंगे, दो ही लोगों के नाम देंगे, जिन लोगों ने दिया उन लोगों का नाम कर दिया बस, ठीक है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है चीजें अपना, ठीक है। देवेंद्र शर्मा यूपी से, अब आपको करना क्या है बेटा, कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस लिखने, बड़े बड़े सेंटेंस लिख लो, ही इज गोइंग टू कानपुर, कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, इस तरीके से लिख के फिर उनका पूरा मतलब नंबर लिखो। और वास्तव में आपको बता रहे हैं, अगर आप 2 दिन ऐसा कर लोगे ना, मतलब 2-4 सेंटेंस नाम लिख दोगे, फिर तुम्हें बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए, बिल्कुल बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा, समझे। बस आपको करना क्या है, आराम से करना चीजें। चलिए सुजीत हल्दर को कर देते बेटा, सुजीत हल्दर बहुत देर से परेशान है, चलो हम परेशानी अपने बच्चों को देख नहीं सकते, चलिए हम सुजीत का कर देते, सुजीत की सर, चलिए SUJIT हल्दर, HALDER, एस आपका 19 हो गया, U 21 हो गया, J 10 हो गया, I 9 हो गया, T 20 हो गया, H 8 हो गया, A 1 हो गया, L 12 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया, R 18 हो गया, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, अब जैसे ये आ जाता है 9, 18, 72 और 576, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो आगे जगह बची है ना, खाली जगह बची है, अब इसमें क्या करोगे बताइए, जो खाली जगह बेटा बची है भाई, यार लाइक कर दो, हाँ बिल्कुल प्लीज, हाँ लाइक जरूर करिए क्लास को, लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दिया करिए प्लीज, आप लोग क्लास को लाइक शेयर और कर दिया करिए, 50 लोग जुड़े हुए हो लेकिन 31 लाइक है, मतलब समझ रहे हो बात को, कितनी धोख भरी खबर है। अब ये एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या है, एक चीज समझिए, जो ये नया ना ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ना तो तुम कुछ और समझ बैठोगे, ये 9 से बन नहीं रही सीरीज, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, फिर आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आ रही कैसे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। चलिए बताइए सर, UPSI रीजनिंग नहीं कराते हो, अरे हम UPSI रीजनिंग आपको बहुत अच्छी कराते हैं, समझे, UPSI मैंने खुद रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर किया था, जो उसकी अच्छी रीजनिंग आई थी बहुत अच्छी, मेरा सिलेक्शन इसीलिए उसमें हुआ था क्योंकि मैंने रीजनिंग काफी अच्छा वो करा था, हिंदी समान हिंदी सब, जब UPSI वैकेंसी आएगी चिंता ना करो, आपका हम बहुत अच्छी तरीके से करा देंगे, ठीक है, चिंता ना करो बिल्कुल भी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, हम आपको बताते हैं क्योंकि आप लोग टाइम लेंगे, तो हम बता देते हैं, देखिए 9 से बना 18 यानी क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई, 18 से बना 72 यानी कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई, 72 से बना यहाँ पे आपका 576, ठीक है, 576 यहाँ पे 576 है ना, और तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 72 में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 फिर 8 फिर 2 फिर 4 फिर 8, अब किसका मल्टीप्लाई होगा, अब इसका होगा बताइए, आप ही लोग बताइए किसका होगा, बताइए सभी लोग,
पहले दो का हुआ, फिर चार का मल्टीप्लाई, फिर आठ का, देखो दो का चार, फिर दोगुना हो गया आठ, दोगुना दोगुना हो रहा है, अब इसका हो जाएगा सोलह, दोगुना करोगे तो सोलह का मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसका सोलह का मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 576 में जब तुम 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 9216 आंसर आ जाएगा, ठीक है आपके सामने। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बिल्कुल, ये देखो जो हम रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये रीजनिंग सर्वमान्य है, सर्वमान्य हर एग्जाम के लिए है। जो एग्जाम उठाओगे बैंक का छोड़ के, बैंक में भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन बैंक का छोड़ के, क्योंकि बैंक में कुछ बिल्कुल पैटर्न अलग हो जाता है रीजनिंग का। ठीक है बैंक के छोड़ के जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए रामबाण मानिए, अमृत मानिए। ठीक है जो ये रीजनिंग बताई जा रही है आपको, हर एग्जाम के लिए रामबाण अमृत समान है ये। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 10th बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10th है, पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था, अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सामान्य हिंदी क्लास बेटा तब लेंगे जब यूपीएसआई वैकेंसी आ जाएगी, और यूपीएसआई वैकेंसी का मुश्किल है कि अभी जल्दी वैकेंसी आ जाए, ये मेरे ख्याल से यूपीएसआई वैकेंसी में अभी समय लगेगा लगभग 3 से 4 महीना बिल्कुल, क्योंकि कई सारे जानने वाले मेरे साथ हैं, आप लोग जैसा कि अगर आप उससे जुड़े भी होंगे तो आप देखते होंगे कई सारे कमिश्नर डीएम कई सारे लोग साथ मेरा आना जाना सिस्टम रहता ही, थोड़ा बहुत तो लिंक रहता ही, जान पर्चे रहती, बात आत होती रहती है, तो हल्का कहीं से पूछ लेते हैं, कहीं सुनने को मिल जाता है, कई सारी जगह हो जाती हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि सर जी अभी जल्दी नहीं हो पाएगा, संपर्क करे रहते हैं आप लोग चक्कर में कि पता लगता रहे कहाँ पे कब वैकेंसी आने वाली, जिससे कि हम आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता सकें, कंफर्म कर सकें, समझे। आप लोगों से बहुत से लोग जुड़े हैं तो उन्हें पता भी होगा, मुझसे फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हैं, उन्हें पता कि मैं जैसे कल ही कमिश्नर वाली फ़ोटो डाली थी पुरानी डाल दी थी, बैठे थे। चलिए बिहार का भी चलिए अभी बताएंगे, चलो पहले पढ़ा लें फिर बताएंगे, तुम लोग बातें करने लगो, बातें चला दो बस, तुम लोग से बातें करवा लो बैठा के हैं, मतलब क्या खैर कोई नहीं है, बच्चे हो तुम लोग अभी, चलो खैर कोई बात नहीं है। चलिए अब हम थोड़ी सी अपने आप को गायब करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को गायब नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे डायग्राम बन नहीं पाएगा। ठीक है तो हम थोड़ी देर के लिए गायब कर दें अपने आप को, चलिए हम गायब कर देते अपने आप को। चलो आप लिखा पूनम अच्छा से कहती है कि कल उसने अच्छा को, देखो पूनम अच्छा से कहती है, क्या कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय लिखो अक्षय कुमार नहीं, एक अक्षय दूसरा भी लड़का है, ठीक है ए के एस एच ए भाई अक्षय कुमार चलो मान लेते हैं, चलो भाई अक्षय की इकलौती बहन मतलब सिर्फ उसकी एक कोई बहन थी बस, मान लिया चलो सिस्टर हो गई, इकलौती बहन हो गई, ठीक है इकलौती बहन, इकलौती बहन की पुत्री, इकलौती बहन की पुत्री कौन, स्नेहा, स्नेहा को ले लिया बेटा, ठीक है स्नेहा को विद्यालय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता यानी कि जो जूडो कराटे वाली होती ना, मतलब एकदम से मार मार धाड़ वाली प्रतियोगिता में हराया है। तो कहते अच्छा स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, कितना सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो जैसे तुम्हारी जो मॉम हो मम्मी होंगी, उनके जो भैया होंगे वो तुम्हारे क्या हुए, मामा हुए, मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, क्या कहते हैं अंकल, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, अंकल हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगा। ठीक है अब देखिए ये, अब इंग्लिश में समस्या क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है समस्या, अंकल एक ही बस उन्होंने बना दिया, चाहे वो फूफा हो चाहे चचा हो चाहे वो मामा हो, समझे कोई भी हो ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ऐसा है कि उन्हें कोई ज्यादा रिलेशन से मतलब रहता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अंकल तो अंकल बस खत्म खेल, बस समझे बस तुम अंकल हो बस उतना ही, यहाँ पर नहीं वो मामा है, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक मतलब सबका रिलेशन कर दिया, मतलब कितनी अच्छी परंपरा है इंडिया की, मतलब देख सकते हो कि बहुत इसमें गूढ़ता छिपी हुई है, हम लोग नहीं समझते सब चीज़ों को, यहाँ पे हर एक एक रिलेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंडिकेट किया जाता है, समझे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं, यहाँ पे आता है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं बताइए, कितने लड़के हैं पंक्ति में, कितने लोग हैं ये आपको बताना है। देखो तारक था, हमने ये अभी आज ही प्लस से पढ़ाया है, ये टॉपिक आज ही पढ़ाया है। देखो तारक था पंक्ति में बैठा था, दोनों छोर से किस नंबर पे, 18वें स्थान पे, यानी कि जैसे हमने माना तारक को हमने यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया था, ठीक है वो पंक्ति में बैठा दिया गया, वही कोरोना वायरस जो पीड़ित थे वहीं पे बैठ गया भाई, ऐसा ना हो खैर। अब देखो क्या हुआ, पंक्ति में जब वो 18वें यानी कि यहाँ से जब वो आया तब भी 18वीं रैंक है, यानी कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आया तब भी उसकी रैंक क्या है, 18वीं है, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर किसने दिया, गंगा जी ने दिया, फिर भूपेंद्र ने, फिर विनय ने, फिर रन विजय ने दिया, फिर आरा ने दिया, वेरी गुड, नहीं आरा ने गलत दे दिया, नजीर ने दिया, रिंकू और यहाँ पे रिंकेश, अशोक, जितेन, जतिन, इसरफ और धीर,
धीर सिंह, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या है, सबसे इससे पहले 17 लोग बैठे होंगे, इससे पहले 17 लोग बैठे होंगे, 17 ये कितने हो गए 34, और एक ये वाला यानी कि 35। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, ठीक है, ये प्लस वन जुड़ेगा तो आपको 35 हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट होगी क्लास, स्टार्ट होगी बेटा क्लास, चलने लगी क्लास, ऐसे आने लगी है, नहीं आ रहा है, एक मिनट फिर से, एक मिनट वेट कर लेते, देख लेते हैं, आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आने लगा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ से आप लोगों से काफ़ी सारे रुके रहे तो बहुत अच्छा, काफ़ी सारे भाग जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें अगर मतलब वो लगता है रुक नहीं पाते, मतलब थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहता, सब्र बहुत ज़रूरी होता है पता है सफलता के लिए, सब्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, समझे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अरे पेन बन जाओ बेटा, चलो देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों छोर से हमने क्या आपको सूत्र बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया आपका 18, दोनों छोरों से ना राइट से भी 18 माइनस वन, तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। ठीक है, चलिए गंगा साहब आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, आप अगर आंसर करेंगे सही देंगे सब टाइम टू टाइम करेंगे तो आपका नाम नहीं लेंगे तो फिर कैसे आपका मोटिवेशन कैसे आपका होगा, बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद पढ़िए और आप लोग आंसर खुद करिए, क्योंकि इसमें पढ़ने ही का खेल होता है, कुछ लोग गलत पढ़ बैठते हैं उसे गलत कर देते हैं, कुछ लोग सही पढ़ लेते हैं तो उसे सही कर देते हैं, अब ये देखते हैं कितने लोगों ने इसे सही पढ़ा कितने लोगों ने गलत पढ़ा, और इसका बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, देखो हमसे देने से पहले, चलो अब हम देते हैं, आप लोग आंसर तब तक दीजिए, लवली भूषण अनोल, चलिए अब आप लोग आंसर दीजिए ना, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, डी आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी गुड, सभी का सही आंसर, देखो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बताया गया कि नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान देना आपको, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी कौन सा नहीं बनाया जा सकता है एब्सोल्यूट में, सॉल्व नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता सॉल्व, इसका भी रीजन आपको बताना होगा, क्योंकि इसमें वी नहीं है बेटा, यहाँ से जब आप जाओगे ना ऊपर ढूंढोगे तो आप चश्मा क्या लेंस दूरबीन सब लगाते घूमे फिरना, आपको यहाँ पे बी नहीं दिखेगा दूर दूर तक, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ पे था किसी विशिष्ट भाषा में ऑप्टिमिस्टिक को लिखते हैं एल के आर एन आर जी एच जी, उसी कोड भाषा में पेसिमिस्ट को क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अंदर आई पेसिमिस्ट को हम क्या लिखेंगे, बताइए सभी लोग जल्दी से, पेसिमिस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से, ऑप्टिमिस्ट को हम लोग लिखते हैं ये, तो पेसिमिस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे ये बताओगे आप लोग, बिना आर्थ मतलब तुमने परेशान कर रखा है, हिंदी क्लास ये आदमी ऐसा है कि इसने तब से घंटों भर से मतलब आधा घंटा हो गया चट लिया है पूरा, मतलब पहले यहाँ पे फोकस करो बेटा, वहाँ पे फोकस बाद में करना, समझे, ऑप्टिमिस्टिक बनाते को हम दिखाते कैसे हुआ, डी आंसर बता रहे हैं बेटा, डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सर आपके साथ हूँ तो नींद नहीं आ रही, अच्छा गंगा ऑप्टीमिस्ट, ओ पी टी आई एम आई एस टी, ऑप्टीमिस्ट से क्या बना, एल के यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते जिससे कि आपको यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे रहा एल के आर एन आर जी एच जी, ये बना, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक चीज देखिए, ओ से एल बना यानी माइनस वन हुआ, पी से के बना यानी कि पी 16 के 11, ठीक है, पी से क्या बन रहा है, के बन रहा है, ठीक है, पांच का गैप आ रहा है, क्या रहा, पांच का गैप आ रहा है, किसका गैप आ रहा है, पांच का, ओ 15 होता है, एल 12 होता है, यहाँ पे तीन का गैप आएगा, सॉरी तीन का गैप, ठीक है, तीन का गैप, यहाँ पांच का गैप, यहाँ पे जी से टी बना, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है, ये भी अपोजिट हो गया, ये भी अपोजिट हो गया, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे आई से आर बना अपोजिट, ठीक है, ठीक है, ये अपोजिट, ठीक है, ये भी अपोजिट है, सभी, ठीक है, ये भी अपोजिट है, ओ एल और पी के सभी अपोजिट है, ठीक है,
सभी अपोजिट हैं। मतलब पैटर्न देख रहे हो क्या बन रहा है, पैटर्न पैटर्न देखो, शुरू में ऐसा बन रहा है इस तरीके के कुछ क्रॉस, फिर यहाँ पे लास्ट के दो और शुरू के दो इस तरीके से पैटर्न बनना है, ठीक है। प्लस हमने आपको पैटर्न बताए, क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ये सारे पैटर्न हमने बताए हैं, तो आप लोग आसानी से कर पा रहे हो जो प्लस वाले बच्चे हैं। देखो तो यहाँ पे इसी तरीके से पेसिमिस्ट में भी करोगे, ठीक है। पेसिमिस्ट में क्या करो, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी पेसिमिस्ट। अब यहाँ पे भी दो, पी का अपोजिट क्या होगा, के, ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट जी, एस का अपोजिट एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ के वी कहाँ दिख रहा है, सिर्फ आपको के वी यहीं पे दिख रहा है अकेला बस, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, देखा जाए आपको ज्यादा बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप तुरंत कर पाओगे, ठीक, बहुत आसानी से कर पाओगे, बस यहीं से खत्म आंसर। चलिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे आता है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। मतलब कोई दो चिन्ह है, प्लस माइनस भाग जो भी तुम समझ पाओ अपने दिमाग से, अब कौन से चिन्हों को बदल दिया जाए आपस में, प्लस का माइनस की जगह प्लस का इस तरीके से बदल दिया जाए जो कि आंसर को सही बना दे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा चिन्ह बनाया जाता है, ये आप लोग बताओ कि कौन सा यहाँ पे बदला जाए, आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, देखते कौन इसका आंसर सही से बताता है। सोनू कुमार बताइए, सभी लोग आप लोग सभी लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, देखते कौन इसका आंसर बता पाता है। सोनू कुमार बताइए, हम ही बताएं क्या, हम ही को बताना बताना पड़ेगा, चलो देखो हम ही बता देते, चलो तुम ना परेशानी उठाओ भाई। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इसको उठा लो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सी में प्लस माइनस दिख रहा होगा, दिख रहा है, यानी प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, जहां पे प्लस दिखेगा वहां पे माइनस रख देंगे, जहां माइनस दिखेगा वहां प्लस रख देंगे, ये कह रहा है ये, ठीक है। चलो अब इस समीकरण को हमने उठाया, यहाँ पे लिखा चार, लिखा माइनस दिख गया तो माइनस की जगह क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे, टेन लिखा मल्टीप्लाई की जगह क्या रखें, डिवाइड, नहीं गलत करना, गलती ना कर देना कभी भी, यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया इसके लिए, तो मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई रखोगे और फाइव लिख दोगे, प्लस आया, प्लस की जगह माइनस रख दो यहाँ पे, क्योंकि माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, इसी तरीके से नाइन और डिवाइड की जगह डिवाइड बना रहने देना, कुछ अपनी तरफ से दिमाग ना लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तीन बचेगा, ठीक है, तीन, और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार प्लस 50 माइनस तीन, ठीक है, माइनस तीन हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, चौवन, चौवन माइनस तीन यानी कि 51 आंसर आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर साफ साफ सामने आपके आ जाएगा, कदमों के सामने गिर जाएगा आपके, ठीक है, कहेगा मेरा आंसर ये है, टिक लगाइए इसमें सर जी जल्दी से। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उस पर बताइए। अच्छा ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग कितनी जल्दी इसका आंसर दे पाते हैं, कितनी जल्दी आंसर नहीं दे पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे अब बताना होगा क्योंकि आप लोग बहुत समय लेंगे इसमें, हमें पता है आप लोग इसमें लेंगे बहुत समय, तो हमें इसका आंसर करना पड़ेगा बेटा, करते हैं। सर एसएससी का न्यू बैच हो आ गया हो, मुझे ज्वाइन करना है, प्लीज अप्लाई। दीपक कुमार अगर आप एसएससी का न्यू बैच, वहां पे एसएससी न्यू बैच बनते ही रहते हैं, आपको ज्वाइन करना है तो आप पहले प्लस कोर्स लीजिए, प्लस कोर्स लेंगे फिर क्या होगा, आपको वहां पे बैच कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक ध्यान से एक चीज करिए, धनंजय, DHANANJAY, ये जादुई शब्द लिख लो, फिर BYT10 इस कोड को लिख लो, इस कोड का यूज कर लेना, इससे आपको क्या होगा बेटा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भी कोई कोर्स जैसे 6,000 का है तो 10% का डिस्काउंट मिल गया, 600 रुपये छूट हो गई, यानी 5400 का आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स को ले लो प्लस कोर्स पहले, तो तब आप वहां पे बैच को ज्वाइन कर पाओगे, अन्यथा आप बैच की शक्ल देखते रहोगे बस दूर से। चलो देखो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 12 20 16, अब यहाँ पे हुआ क्या है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256, अब इसे जोड़ोगे बेटा जब तुम्हारा, तो 400 आ जाएगा, कितना 400, और 400 का तुम यहाँ पर रूट निकाल दो अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बेटा,
इसी प्रकार से आप 31 21 का करो भाई, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 होता है बेटा, कितना होता है 441 हो जाएगा। और जब आप 28 का करोगे ना तो बहुत से लोग पसीना निकल आएगा, हम जानते हैं, 784 आएगा बेटा, कितना आएगा 784, ठीक है। 784 को आप इसमें जोड़ोगे, जब तुम जब से जोड़ दो कितना आएगा बताइए, जब तुम इसे जोड़ दोगे कितना आएगा बताइए, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, 5 तो 1200, अरे सॉरी यह तो यहाँ पे 35 लिखा ना, 35 35 के साथ निकाल दो, 1225 हो जाएगा, 1225 करने की जरूरत ही नहीं हमें तो, समझ गए ठीक है, 1225 हो गया, हो गया 1225 कर दिया। इसी प्रकार से अब तुम यहाँ पे कर दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सभी का आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिल जीत लिया तुम लोगों ने मेरा तो, सभी लोगों ने दिल जीत लिया, 64 आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी प्रकार से 48 बेटा, देखो 48 का हम जानते हैं कि 99.99 लोगों को 48 का स्क्वायर नहीं आता होगा, ठीक है। 48 का स्क्वायर कितने लोगों को आता था ये कोई बता पाएगा, कितने लोगों को 48 का स्क्वायर आता था, जल्दी से कोई को आता अगर, कोई का भी कमेंट, एक तो इसमें थोड़ी कमेंट लेट आती है, चलिए हम बताते हैं, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, ठीक है 2304 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे क्या, 48 का स्क्वायर 2304 कर दो, ठीक है 2304 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 80 का स्क्वायर, 6400 यानी कि, ठीक है 2304 प्लस ए स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे 80 यानी 6400, ठीक है 6400 हो जाएगा। अब जब ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे 6400 से घटाओगे, हम थोड़ा सा ये कर देते क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे अटक रहा होगा ना, इसलिए हटा देते अपने आप को, ठीक है चलो। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर बराबर 6400, 6400 माइनस 2304 करोगे, ठीक है 2304 कर दोगे 6400, तो तुम्हारा यहाँ पे बचेगा 496 बचेगा, ठीक है 4096। अब ये 4096 जो होता है ये किसका है? रूट होता है बेटा 64 का होता है, ठीक है 64 का, ठीक है तो बस आपका आंसर आ गया, ठीक है यही आपका आंसर हो गया, 64 का होता है स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है चलिए। तो ये आप लोग कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें, आगे बढ़े, अगर आपकी इजाजत हो तो बताओ, अगर आप इजाजत दें तो हम बढ़े, ना तो फिर हम रुके रहे भाई, बताइए आप लोग बताइए, चलिए बढ़ते हैं, आप लोग इजाज़त दे चुके हैं हमें, ठीक है आप लोग इजाज़त देंगे, क्यों नहीं इजाज़त तो देंगे भाई, नहीं देंगे तो फिर हम ले लेंगे इजाज़त चलिए खैर मजाक कर देते बच्चों से। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ये क्वेश्चन आया है बेटा यहाँ पे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, आंसर बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, उदास बैठा हुआ है, इसका आंसर बताओ बेटा कितना आएगा, ये कह रहा मेरा आंसर निकालो जल्दी से, ना तो हम भाग जाएंगे फिर, ठीक है तो उसका आंसर निकाल के तुम्हें बताना है कि कितना आंसर आएगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, आप लोग इसका आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बहुत सिंपल आंसर है लेकिन, ठीक है बहुत ही सिंपल बच्चों वाला आंसर है, बताइए जल्दी से। पुष्पेंद्र, यदुवंशी, फिरोज, गंगा, सहा, विनोद और अशराफ। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दो लिखा हुआ, दो दो का 6 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 का 8 से मल्टीप्लाई करो 96 आंसर आपका आ जाएगा, बस दो का 4 से मल्टीप्लाई, दो से दो का करो 4, 4 का 15 करो 60 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमने किया 6 का 5 से मल्टीप्लाई, 6 गुणा 5 कितना आएगा 30, 30 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हो जाए 120, ठीक है तो किसका करेंगे, 30 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग क्लास को पहले बेटा लाइक कर दो, कोई एक महामूर्ख व्यक्ति डिसलाइक करके चला गया है, कोई आदमी है जिसने डिसलाइक कर दिया बेटा, अब आप लोग लाइक करोगे तभी उसको दबाव होगा, ना तो कुछ लोग तो होते ही है ना, उन्हें आता है नहीं कुछ, वो चले जाते हैं चुनाव छाता लेके। चलो देखो तो इसका आंसर यहाँ पे ही हो गया, ठीक है मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, ठीक है चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, आप लोग बताएंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई जो आकृति दी गई है ना, बनी है बड़ी सुंदर सी आकृति, अब इसमें आप लोग बताओ त्रिभुज कितने हैं बेटा, कितने त्रिभुज होंगे आपको बताना है इसका आंसर। ये हमने प्लस में आपको कईयों बार पढ़ाया है, कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार। तो बेटा देखो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो जो ये हमने क्या एक बार बताया था आपको बेटा कि जिस इस तरीके से अगर ये डायग्राम आता है ना, तो इसमें कितने हो जाते हैं, तो 8 ट्रायंगल हो जाते हैं, क्यों 1 2 3 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो
आठ आपका ट्राइंगल हो गया। हो गया, अब ये आपको बेसिक हम तभी बता पाएंगे जब पूरी क्लास लोगे, ठीक है। वेरी गुड, वर्दी एक जुनून, वेरी गुड, बिल्कुल आपको वर्दी मिलेगी अगर आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। वर्दी एक जुनून ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, दिल जीत लिया। देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसमें आठ, इसमें आठ, इसमें आठ, इसमें आठ, यानी कि 32 तो आपके सामने यही निकल आए, ठीक है। 8 चौको 32, तो ट्राइंगल यही हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, पहले इतना बताओ, इतना हुआ 32 ट्राइंगल, समझ में आ गए कैसे हुए? नहीं समझ में आए तो प्लस में आना, वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा बताने के लिए। फिर आपका एक ये ट्राइंगल, फिर आपका एक ये ट्राइंगल, ठीक है, फिर आपका एक ये ट्राइंगल, और फिर आपका एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि 6 ट्राइंगल आपको ऐसे मिल जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब 3 ट्राइंगल यहां से मिल जाएंगे, 3 ट्राइंगल यहां से मिल जाएंगे, यानी कि 6 ट्राइंगल ये भी हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 44 ट्राइंगल आपके सामने आ गए, ठीक, नतमस्तक हो गए 44 ट्राइंगल। उन्होंने कह दिया सर जी अब ये टिक लगा दीजिए और आपको एक नंबर मिल जाएगा, और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और एक वर्दी भी मिल जाएगी आपको रेलवे ग्रुप डी या NTPC की, और आपकी टिकट फ्री रहेगी। चलिए तो इस तरीके से ये आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो गया, ठीक है, 44 हो गया। और आप लोग प्लस अन अकेडमी मुझे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है, DHANANJAY। तो प्रताप सिंह नीचे लिख के आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छी स्मार्ट लड़के की फोटो होगी मेरी, स्मार्ट एकदम से हैंडसम बॉय, तो समझ लेना हम ही है, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, खैर स्मार्ट तो नहीं है, खैर चलो आओ यहाँ पे आओ। इसमें बोलते बोलते गला दर्द होने लगा, यहाँ पे आया। इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा समस्या रहती है बच्चों के बीच में, देखते हैं बड़ा ही परेशान रहते हैं, सर जी कैसे होगा बताइए, सर जी इसको जरूर बताइए, ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, हर जगह ये परेशान रहते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, आप लोग थोड़ा निष्कर्ष निकालो इसका भाई, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ABCD में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ही लोग बता पाओगे अब तो ये बात बताइए। अच्छा खान अकेडमी सर्च करिए मुझे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से, बिल्कुल पार करोगे अंकित, बिल्कुल NTPC पार करोगे, रेगुलर क्लासेस लीजिए, पढ़िए, जब भी धनंजय सर का नाम कहीं भी दिखे तुरंत उसमें एनरोल कर लिया करो। अनअकैडमी में जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन लग दिखे, आपको मेरी फोटो दिखे, उस पर नोटिफाई में क्लिक कर दिया करो, ठीक है। उससे क्योंकि मेरी क्लास बहुत कम होती, समय की थोड़ी अभाव रहता है समय का, इसलिए क्लास हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन जितनी भी क्लासें लेंगे प्रोडक्टिव लेंगे, ठीक है। मतलब मेरी क्लासों में आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा, ठीक, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट पे आप कभी भी आप आश्रित मत रहिए, ठीक। क्वांटिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ कंटेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, बिग डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंटेंट, ठीक है। देन यू विल चूज क्वालिटी ऑफ कंटेंट, समझे, तुम्हें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चुनना है, ना कि तुम्हें क्वांटिटी ऑफ कंटेंट को चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कि कहा गया, कथन दिया गया कि सभी गुफाएं सर्पलाकार हैं, ठीक है। सभी गुफाएं क्या, सर्पलाकार, पहले हम गुफाओं को बना दें और सर्पलाकार बना दें भाई, सर्पलाकार के अंदर कर दिया, ये गुफाएं बना दी भाई, ठीक है, हिंदी किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, और ये सर्पलाकार कर दी, सर्प लिख देते बस इतना, चलो। और कुछ सर्पलाकार क्या है, कार्ड है, कुछ सर्पलाकार क्या है, कार्ड कर दिए, ठीक है, कार्ड हो गए भाई, चलो भाई बेटा कार्ड कर दिए, कुछ सर्पलाकार को क्या कर दिया, कार्ड कर दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष निकला, कुछ सर्पलाकार कार्ड नहीं है, कुछ सर्पलाकार कार्ड नहीं है। देखिए एक चीज देखिए, जब कभी भी दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव, तो आपका निष्कर्ष जो कंक्लूजन होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कभी भी तुम्हारा निगेटिव नहीं होगा, ये एक चीज आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अभी बांध लो, अच्छा गांठ बांध ली। अब क्या है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, ये भी नहीं होगा बात, ठीक है, ये भी नहीं फॉलो करेगा। अभी आगे देखना ध्यान से कहाँ फॉलो फिर करने लगेगा, ये भी देखिएगा, चलो इसे अरेंज कर देते हैं ना, तो फिर मजा नहीं आएगा, तो अरेंज कर देते हैं, चलो ये तो गलत हो गया भाई। अब आया कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, निगेटिव हो गया, हमने इसे कार्ड दिया भाई, अभी हमने इसे कार्ड दिया, ठीक है। अब आ रहा कि कुछ कार्ड गुफाएं हैं, अब देखो एक बात देखना, एक ने कहा कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है भाई, मान लिया नहीं हो सकती है भाई, क्यों, निगेटिव नहीं होगा, नहीं सॉरी हो सकती है, मतलब क्योंकि नहीं गारंटीज नहीं कह सकते हो तो, तुम क्योंकि अगर हम इसको ऐसे चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, इस तरीके से इसे अंदर ला के ऐसे बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसे बनाया नहीं है, वो मेरी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
अब ये का कुछ कार्ड गुफाएं हैं, या तो है या तो नहीं है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो बात होगी। अब एक चीज देखिए, आपका जो कंक्लूजन होता है, अगर दोनों में शब्द एक ही मिलते, जैसे गुफाएं और कार्ड, गुफाएं और कार्ड मिल रहे हैं दोनों में, ऊपर भी गुफा कार्ड नीचे भी गुफा कार्ड, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो फिर क्या होता है, आयदर और वाला केस बन जाता है। तब आयदर और वाला केस आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों चीजें टकराने लगी आपस में। ऐसे समझो, अब एक व्यक्ति जैसे बाहर गया, ठीक है, मान नहीं रहा था, घर में मना करा जा रहा था, ना निकलो ना निकलो, कोरोना वायरस काफी समस्या पैदा कर रहा है, फिर उससे मचित खुजली, तो गया वो, चला गया। अब क्या हुआ, जब वो घर बाहर से वापस आया, घर आया, अब एक ने कहा कि तुम्हें कोरोना वायरस ने जब, मतलब एक तरह तुम इफेक्टेड हो गए हो, एक ने कहा तुम कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं हुए हो, ठीक है, एक ने कहा हो गए हो, एक ने कहा नहीं हुए हो। अब या तो ये भी बात हो सकती थी बात सही, या ये बात हो सकती सही, क्योंकि पहले अगर ये सिंपल लेगो, ऐसे समझो, अरे ये सिर्फ अकेला कोई एक व्यक्ति ये कहता तुम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए हो, तुम साफ साफ उसे कट कर देते, निगेटिव गलत कर देते, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि अफेक्टेड है। अगर वो कह देता कि हो सकते हो, तो टिक कर देते कि हाँ बात सही हो सकती, भाई तुम बाहर गए हो, शायद टच हो गया हो, लेकिन उसने कहा कि हो गए हो तो गारंटी नहीं है, तो हम उसे कट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कहा, तुम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गए हो, तो उसी ने एक दूसरे ने कहा कि तुम कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं हो, अब कोई एक ना एक तो सही होगा ही भाई, फर्स्ट या सेकंड, तो वही कहानी यहाँ पे भी है, फर्स्ट और सेकंड में, या तो भाई यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हो सेकंड होगा, या यहाँ पे थर्ड होगा, कोई ना कोई एक सही होगा, ठीक है। बिटवर्जी जुनून ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये था पहले, क्लियर हो गया सभी को, समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा, इतनी मेहनत करी तो आया जरूर होगा। चलो देखो, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आता आपके सामने, और आपको बताना बेटा क्या होगा, सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। आंसर कमेंट, आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है, तो किसी का नहीं आ रहा है इस वक्त, क्या समस्या है भाई, क्या समस्या हो रही है लोगों को। डी आ रहा, जिला का आंसर आ रहा है डी, और भी लोग बताइए इसका आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, डी बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत सही बताया। पूछा गया था बी के विपरीत में क्या आएगा, बी के विपरीत में क्या आएगा, तो देखिए बी यहां पे है, बी यहां पे भी है, ठीक है, और इनमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी को कॉमन लेके इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है, यानी कि बी डी और सी, इसी तरीके से बी एफ ई को घुमा देंगे, बी एफ ई, ठीक है, और यहाँ पे है कितने शब्द, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे, क्या क्या शब्द हैं, बी सी डी ई एफ और जी, तो एफ डी आपस में हो गए विपरीत, सी ई आपस में विपरीत हो गए, अब बी के साथ बचा क्या आपका, जी बचा अकेला, ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, जी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आता है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को बताता है, यानी कि व्यावसायिक, प्रमाणिक सरकारी, लेखाधिकारी यानी कि महिला, यानी कि प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट या फीमेल, 20 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए बेटा पोल कर देते हैं, हम इस पोल यहाँ पे कहाँ कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, देखो बेटा इसमें क्या आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोगों में से कहेंगे सर जी ये बताओ पहले बी हुआ कैसे, कैसे आपने हिम्मत कर दी बी ऑप्शन को देने के लिए, देखिए जो हमने बी कहा है ना, ऐसे नहीं कह दिया हमने, देखो बी ऑप्शन कैसे हुआ, हमने लिया सी ए, सी ए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, सी ए हो गया आपका प्रोफेशनल, प्रोफेशनल
प्रोफेशन मतलब उसका एक तरह प्रोफेशनल काम हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल है ये, ठीक है, सीए आपका प्रोफेशनल होगा, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा एक फीमेल, कुछ लोग क्या करने लगे, फीमेल को इसके ऊपर लगाने लगे, क्योंकि गलती करने लगे, नहीं, फीमेल हो जाएगा आपका इस तरीके से, इस तरीके से फीमेल बनेगा, क्योंकि सभी फीमेल थोड़ो ना, यहाँ पे तो कुछ फीमेल सीए होंगी, कुछ फीमेल प्रोफेशनल होंगी, मतलब क्या होगा, या तो सीए होंगी या प्रोफेशनल कुछ होंगी इस तरीके से, या कुछ महिलाएं कुछ नहीं होंगी, ठीक है, कुछ और कर रही होंगी, तो इसलिए क्या होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, डाउट में तो नहीं है तुम लोग सर जी, ये कैसे ऐसा मतलब नहीं गलत है, ऐसा तो कुछ किसी के मन में नहीं आ रहा, कहीं कह ना पा रहा हो, चलो तो बी ऑप्शन था। अब आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, इसका आंसर था ये क्या हो जाएगा, 21 में कौन सा यहाँ पे है डिजाइन है जो इसको फॉलो यानी पूरा कर देगी, मतलब क्या कर देगी, पूरा मतलब फिट कर देगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक, 21 का आपको आंसर बताना है बेटा, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर, चलिए हम ही बताते हैं, देखो समय ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि समय है नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से आके ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आके इस तरीके से कुछ होगा बन जाएगा, ठीक है, सी बन जाएगा, ठीक, चलिए सॉरी ए बन जाएगा इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। लवली भूषण नहीं, मतलब क्या नहीं आया क्या लवली भूषण, अब यहाँ पे ये पूछा गया कि जो ये आकृति है ना, ये आकृति, ये वाली आकृति ने क्या किया है, ये कहीं यहाँ पे छुप के बैठ गई है, इन आकृतियों में छुप के बैठ गई, अब तुम्हें ढूंढ निकालना है ये किस कहाँ छुपी बैठी, निकालो इसके जल्दी से, छुप के बैठ गई, कोरोना वायरस से संक्रमित है और छुप के और बैठ गई, तो अब यही आपको बताना है कहाँ पे छुप के बैठ गई, बताइए सभी लोग जल्दी से, तो बेटा इसका ए तो नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्यों, ये जो है ना ये डिजाइन, ये देखो डिजाइन ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ये देखो, ये और ये इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी आपको, देखना ध्यान से, थोड़ा महीन है ना इसलिए नहीं दिखेगा, ये देखिएगा यहाँ से और ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है, प्रयास करिएगा दिख जाएगा आपको, आसानी से दिखेगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब ये कहा गया कि जैसे ये डिजाइन है, अगर हम इसे मोड़ दें और फिर खुरापात सूझ जाए हमें, और हम इसे इस तरीके से काट के, इसे हम क्या कर दें, खोल दें, काट दें इस तरीके से, और फिर हम इसे क्या कर दें, खोल दें, तो खोलने के बाद कौन सी यहाँ पे आकृति बनेगी आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सी आकृति खोलने के बाद बन जाएगी ये आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी आंसर, क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ये ना हो तुम ना हो भी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कैसे ओपन होगी, पहले तो ये ऐसी बनी रही आकृति बनी रही, फिर ये ओपन होगी यहाँ पे ऐसे उल्टी आ जाएगी, फिर ये ऐसी आधी रहेगी ना आधी, फिर ये ऊपर आधी चली जाएगी, आधी नीचे आधी ऊपर, इस तरीके से ये आपकी सी बन जाएगी, ठीक है, सी आकृति जो होती है ये आपकी बन जाएगी, ठीक, ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या है, यहाँ पे बताएगा कि मिरर इमेज आपका सामने मिरर रखा हुआ है, और उसमें बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे मिरर इमेज के अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है, तो आप ही लोग बताएंगे फिर तो कि कौन सा बन रहा है, बताइए आप लोग फिर कौन सा बन रहा है मिरर इमेज के अकॉर्डिंग, देखिए हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे राइट में दिखता है और जो लेफ्ट में, लेफ्ट वाला यहाँ पे राइट में दिखने लगता है और वो यहाँ पे लेफ्ट में दिखने लगता है, बस यही अगर आप इतना ही सीख लोगे तो कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा तो इसको पूरा कर लोगे, समझे, यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये इतना हमने कह तो दिया लेकिन इसके पीछे पूरी गहराई छिपी है, समझे, तो आप इसे देखोगे लेफ्ट राइट और राइट का लेफ्ट कर दोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस, तो इसमें आपका कौन सा फॉलो कर रहा है बताइए, तो इसका पहला ही जो है ना यही फॉलो कर रहा है, ठीक है, हर चीज लेफ्ट राइट होती है, पर जो अंदर है वो भी लेफ्ट राइट होगी, जो डिजाइन है वो भी लेफ्ट राइट होगी, तो इस तरीके से आपका कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सभी का। अब हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो वास्तव में आप प्लस कोर्स जरूर लीजिए, ठीक है, आपको कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो आप धनंजय प्रताप सिंह के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आप कभी भी सर्च करिए, मुझे पूछिए, मुझसे आपको बताया जाएगा, ठीक है, आपसे पूरा एक एक चीज आपको कंफर्म कराई जाएगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है, कोई भी समस्या होती है, और उसमें आप लोग मेटेक्सा कोड का यूज जरूर करिए, सॉरी धनंजय BT10 कोड का यूज जरूर करिए, उससे आपको 10% मिलेगा, ठीक, डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, धनंजय BT10 कोड यूज करके, ठीक है, और वहां पे आइए प्लस कोड, और या तो आप मुझे धनंजय प्रताप सिंह नाम पे सर्च करके क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहेगा, डाउट क्लियर होता रहेगा, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है, क्लियर, तो इतना आप जरूर करिएगा, ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ये एक बार हम आपसे और कहेंगे, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।
जय भारत।